हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ एसिड और बेस, अम्ल और अक्षार का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो कंसेप्ट है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, और ये जो क्लास है वो बायलैंगुअल रहेगी। एसिड और बेस केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, तो अम्ल और अक्षार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है अम्ल और अक्षार। अम्ल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं एसिड, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इनको, एसिड कहा जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जैसे मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जैसे बिकर हो गया, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है, बिकर के अंदर हमने वाटर ले रखा है, और ये एक दूसरा बिकर हो गया, क्या होते हैं ध्यान से सुनिए। एसिड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। एसिड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुल के हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं अंग्रेजी में। बेस क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुलकर OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। दोबारा बता देता हूं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, अक्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। एसिड आर डिजोल्व इन वाटर मेक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन प्लस आयन, और जो बेस है वो डिजोल्व इन वाटर हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गया। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एसिड है वो क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। एसिड है वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और अक्षार का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। अक्षार का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, अंग्रेजी में बोलेंगे बिटर, और खट्टे को बोलते हैं श्योर। रिमाइंड कर देता हूँ, एसिड क्या होते हैं, एसिड वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, उनको कहते हैं एसिड, अम्ल कहते हैं हिंदी में। और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं जो पानी में घुलकर OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस, अक्षार। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड की विशेषता क्या है, एसिड स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। खट्टे को अंग्रेजी में बोलते हैं श्योर। और जो बेस होते हैं, बेस क्या होते हैं, अक्षार होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बिटर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं एग्जांपल के थोड़े। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया HCl, पहला एग्जांपल कौन सा ले लिया, HCl। दूसरा एग्जांपल ले लिया H2SO4। ये किसके एग्जांपल है, ये एसिड के एग्जांपल है। कैसे, ध्यान से सुनिए। एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। HCl कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। और ये H2SO4 कौन सा है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बना रहा है। ध्यान से सुनिए दोबारा से इसको, ये एग्जांपल किसके हैं, ये उदाहरण है एसिड के। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एच पॉजिटिव आयन बना रहा है वो एसिड ही होगा। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एच पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो किसमें पाया जाता है, आमाशय के अंदर पाया जाता है, स्टोमक में, ह्यूमन बॉडी के स्टोमक में HCl पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 को अंग्रेजी में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका यूज कहाँ होता है, बैटरी में। किसमें यूज होता है, जो बैटरी होती है, जो चार्जिंग वाली बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें H2SO4 डाला जाता है। और H2SO4 को किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, पावरफुल एसिड है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। आज तक NCERT के अकॉर्डिंग, वैसे तो और भी नए लेटेस्ट पावरफुल एसिड है, लेकिन H2SO4 अकॉर्डिंग टू NCERT पावरफुल एसिड है, अम्लों का राजा कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको तेजाब बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बेस के बारे में बताता हूँ। बेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, NaOH और KOH। बेस का एग्जांपल कौन सा है, दो एग्जांपल हो गए, NaOH और KOH। अब बेस की पहचान कैसे होगी, जो OH नेगेटिव आयन बनाता है, ये OH नेगेटिव आयन है, और Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। ध्यान से सुनिए दोबारा, जो बेस होते हैं उसके एग्जांपल है Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा बता देता हूं, Na का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और K का मतलब होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षार कहलाते हैं। OH नेगेटिव बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षार कहलाते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, इसका कॉमन नेम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यूज होता है साबुन फैक्ट्री में। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का यूज होता है साबुन फैक्ट्री में, साबुन बनाने में।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा, लोकल मतलब जैसे कॉमन नेम हो गया, साधारण नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा, याद रखना कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास। पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास, ध्यान से सुन लेना इसको। और इसका यूज होता है साबुन फैक्ट्री के अंदर साबुन बनाने में, किसमें यूज होता है, साबुन फैक्ट्री में साबुन बनाने के अंदर इसका यूज होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कपड़े धोने वाली साबुन बनाई जाती है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड से नहाने वाली साबुन बनाई जाती है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम क्या होता है, कठोर होता है, जिसके कारण इसे कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में यूज किया जाता है। और पोटासियम है वो सोडियम से क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इनके सिंबल भी याद रख लेना, इनके प्रतीक पूछे जाते हैं अंग्रेजी में साइंस में कि इनके प्रतीक क्या होते हैं। पोटासियम का प्रतीक होता है के और सोडियम का होता है Na, समझ में आ गया होगा। क्लोरीन का Cl, ये तो आपको जनरली पता ही है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अम्ल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल के दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। एक तो होते हैं प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अम्ल के टाइप्स ऑफ एसिड, ऐसे पढ़ेंगे इसको, टाइप्स ऑफ एसिड क्या होता है, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल को क्या कहा जाता है, वीक एसिड। प्रबल अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल को कहते हैं वीक एसिड। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ, एक अलग से कंसेप्ट है, जनरली मैं बता देता हूँ। एक तो होता है सांद्र अम्ल, ये अम्ल का ही पार्ट है, ये तो बेसिक पार्ट है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, और ये होता है फंक्शनल, थोड़ा सा अलग है ये, आप समझ लो फिर उसके बारे में बता दूंगा। सांद्र अम्ल है और तनु अम्ल है और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है। इसमें डाउट क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनिए। सांद्र अम्ल को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या कहा जाता है, सांद्र अम्ल को अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। सांद्र अम्ल का मतलब क्या है, जैसे ये कोई गिलास हो गया, इस गिलास के अंदर अगर पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज्यादा है, इस गिलास के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है या नहीं भी है, या अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जिस पदार्थ के अंदर, जिस सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो उसको कहते हैं सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहा जाता है सांद्र अम्ल, जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, बिल्कुल ही ना हो, कम हो, बहुत ही कम हो। और तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और तनु अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, क्या कहा जाता है, डाइल्यूट एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बता देता हूँ, सांद्र अम्ल है उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जो तनु अम्ल है उसको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड अंग्रेजी में। तो सांद्र अम्ल के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती या थोड़ी बहुत होती है, और तनु अम्ल के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब ध्यान से सुनिए आगे, सांद्र अम्ल तनु अम्ल मैंने क्लियर कर दिया। उसी प्रकार क्या होते हैं, सांद्र अक्षारक होते हैं और तनु अक्षारक होते हैं। सांद्र अक्षारक को बोलते हैं डाइल्यूट बेस, और तनु अक्षारक को कहते हैं, सांद्र अक्षारक को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और तनु अक्षारक को कहते हैं डाइल्यूट बेस। उसी प्रकार बताना, जिस प्रकार अम्ल के बारे में बताया, यहां क्या लिख देते हैं, सांद्र अम्ल और सांद्र अक्षारक, अम्ल की जगह क्या लिख दिया हमने, अक्षारक लिख दिया, तो वही सेम होगा। सांद्र अक्षारक वो होंगे जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, अक्षार की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा, सांद्र अक्षार कहलाएगा। और तनु अक्षार के अंदर क्या होगा, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और अक्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी। डाइल्यूट बेस कहते हैं तनु अक्षार को अंग्रेजी में। रिमाइंड कर देता हूं एक बार दोबारा से, एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एसिड और बेस का फर्स्ट पार्ट है, अम्ल और अक्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये केमिस्ट्री का पार्ट है, और केमिस्ट्री को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक का नाम है लवोइजोर वैज्ञानिक। लवोइजोर वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री बनाया था, और फिजिक्स को बनाया था आइजक न्यूटन ने, और बायोलॉजी को बनाया था अरस्तू ने, याद रखना ये। तो एसिड और बेस केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। एसिड क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, रिमाइंड कर रहा हूं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं पानी में घुलकर। और जो अक्षारक होते हैं वो पानी में घुल के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है, आगे जो क्या है, एसिड की विशेषता क्या होगी, एसिड स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और अक्षारक होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो अक्षारक होते हैं जिनको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। बायलैंग्वेज क्लास चल रही है, अब मैं आपको बताता हूँ एसिड के जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, NaOH होगा। और जो बेस का एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड का एग्जाम्पल होगा H2SO4 और HCl, और जो बेस का एग्जाम्पल होगा NaOH और KOH। दोबारा सुन लीजिए,
HCl और H2SO4 ये किसका एग्जांपल है, एसिड का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। ये एग्जांपल हो गया एसिड की। बेस के एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अक्षार का एग्जांपल। आगे मैंने आपको बताया प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, उससे पहले ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में, ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है। उससे पहले मैंने सांद्र अम्ल और कम अम्ल के बारे में बात की थी। सांद्र अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो बिल्कुल भी ना हो और अम्ल की मात्रा क्या हो ज्यादा हो, उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और तनु अम्ल में क्या होगा, जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा क्या होगी जिसमें बहुत ज्यादा होगी, और जो अम्ल की मात्रा क्या होगी कम होगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार के बारे में पढ़ेंगे और लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। ये अगर आपको पार्ट फर्स्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।